अस्सलाम वालेकुम फारूक नॉलेज पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर पैराग्राफ का जो फंक्शन है उसके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पैराग्राफ का कुछ पार्ट स्टडी कर लिया था कि कैसे उसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट की जाती है और कैसे उनके दरमियान स्पेस को एडजस्ट किया जाता है, कितना स्पेस रखना है, बॉर्डर कैसे लगाना है उसको। आज हम बात करेंगे कि उसपे कोई भी पॉइंट हम जो नंबरिंग के साथ लिखना चाहते हैं वो कैसे हम उसमें कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में लिखते हैं कि यहाँ पे जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है, तो यहाँ पर हम फंक्शन लगा लेते हैं कोई सा भी। इसमें से जैसे मैंने फर्स्ट एक्शन लिया और यहाँ पर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। जैसे इंटर करूँगा नेक्स्ट, मेरे पास ऑटोमेटिक ये फंक्शन आता रहेगा। मैंने कुछ और कॉपी लिया, यहाँ पर लिख दिया जो भी मैं हाईलाइट कर अपनी हेडिंग देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो यहाँ पर लिख लूँगा। आप अगर नेक्स्ट कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ पर आप कर्सर की मदद से उसको सेलेक्ट कर ले आपने जो सा भी इनमें से आप कोई सा भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूँ, फिल्टर किया, तो उसके बाद मेरे पास ये वाला ही आइकन हट जाएगा। उसके बाद अगर आप नंबरिंग करना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, आपके पास नंबरिंग में डाटा चाहिए है, तो आपने जैसे यहाँ पर आना है, यहाँ से आपने कोई ले लेना है नंबरिंग वाला। जैसे मैंने ये एक सेलेक्ट किया नंबरिंग का और इसमें मैंने कोई डाटा टाइप किया, तो मैंने डॉक्यूमेंट रिपोर्ट टैब, ये मेरे पास इतना डाटा आ जाएगा। इस तरह हम नंबरिंग वाला बना सकते हैं। इसमें कोई सा भी जो आपने पॉइंट हाईलाइट करने हैं कि ये इतने नंबर पे हैं, ये इतने नंबर पे हैं, तो वो आप इस तरह यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से ए बी सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ए बी सी में लेना है तो आप ये देखें, ये जो मैंने 1 से 5 तक किया है, अगर मैं ए बी सी सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें तो ए बी सी में शिफ्ट होगा। लेफ्ट साइड में देखें वो गिनती जो है ए बी सी में चेंज हो गई है, जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ रहा था। लेकिन मैं स्मॉल वाली को करूँगा तो मेरे को फिर स्मॉल वाली को उसको चेंज कर दिया। चलिए इसके बाद कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, जिस जैसा कि मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट ऐप का ऑप्शन कर लेते हैं उसको, इंसर्ट और कहाँ इंसर्ट ऐप है। जैसे इंसर्ट ऐप के अंदर और भी ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो वो कैसे हमने उसको करना है हाईलाइट। जैसे ये पॉइंट हमारे पास चल रहे हैं लेफ्ट में, तो इंसर्ट ऐप के अंदर जो ऑप्शन है वो कैसे हमने सेव करें, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये लास्ट जो है मल्टी लेवल लिस्ट जो है इसमें आना है। इसमें आने के बाद हमने इसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे, मल्टी लेवल को ओके करना है और डिफाइन में आ जाना है। डिफाइन में आने के बाद यहाँ पर हमने डिफाइन करना है, बाहर हमारी जो है ए बी सी डी ई कैपिटल वाली लिस्ट चल रही है। अब ये देखें इधर ए आ रहा है, सेकंड वाली एम्प्टी है, सेकंड पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसने स्मॉल ए पिक किया हुआ। हम इसको चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर
कुछ और सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये डॉट वाले आईज हैं, हम ये वाले लगा लेते हैं। थर्ड पे हम जो है ना, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आपने लगाना चाहते हैं तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। जैसे ये मैं इस पर स्मॉल वाली एबीसी लगा लेता हूँ। उसके बाद हमने इसको ओके कर देना है। जैसे ओके किया उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर हम ने जो अपना क्रिएट किया था उसमें आएंगे, चेंज लिस्ट लेवल में जाना है। उसके बाद हमने सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे सेकंड को क्लिक किया, जो हमने हमारे पास यहाँ पे इंटर करने के बाद एफ आया था वो आई में चेंज होगा। ठीक है जी, जहाँ पर आपने कुछ भी ट्रैक कर देना है, जैसे इंटर किया तो ये देखें, दूसरी बार इंटर किया तो ये आ गया हमारे पास थर्ड ट्रिपल आई। ठीक है जी, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास अब जो ऑप्शन है वो हमारा नेक्स्ट जो क्या नाम है थर्ड वाला है, इसकी भी आगे कोई कोऑर्डिनेट की जो है ऑप्शन है तो उसको हम कैसे करें। तो उसके लिए फिर हमने जाना है चेंज लिस्ट में, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमने क्लिक कर लेना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये जो आई वी आ रहा है हमारे पास चौथा ऑप्शन, वो ए में कन्वर्ट हो गया। ये देखो इधर आई वी आ रहा था वो ए में आ गया। तो यहाँ पर हमने सेटिंग जो भी होगी हम उसकी दे सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फुटर लिस्ट है, इसको इंटर करेंगे तो ये देखो नेक्स्ट चलना शुरू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये सी आ गया, नेक्स्ट करेंगे तो ये बी आ गया, नेक्स्ट करेंगे। अगर आपने बैक आना है वापस मेन पे तो उसके लिए आपने इसी ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद चेंज लिस्ट पे आएंगे और इसको वापस फर्स्ट वाला क्लिक करेंगे तो ये देखें ई के बाद एफ, एफ दोबारा से शुरू होगा। आपने यहाँ पे इंटर किया तो देखें इस तरह आपकी ये सारी उसमें चलता रहेगा। ये था कैसे आपने हाईलाइट करना है, नंबरिंग कैसे लगानी है और मल्टी लेवल जो है उसका ऑप्शन आपने कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो है डिक्रीज और इंक्रीज। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो पैरा आपका फुल पेज के ऊपर आ रहा है, जैसे बुक होती है उसमें आपने देखा होगा कि एक पेज पे दो भी आते हैं तो ये उसका साइज को हाफ कर देगा। जैसे इंक्रीज करते हैं हम तो ये देखते हैं आपने पैरे का साइज छोटा करना है, आप यहाँ से उसकी मदद से कर सकते हैं। मतलब जितना आप छोटा करना चाहें उतना आप उसको कर सकते हैं। इससे आप पैरे का साइज जितना बड़ा करना है, जो पेज आपका है उस पेज से बड़ा तो नहीं करेगा, उस पेज के साइज उतना ही करेगा। इस तरह इससे हम साइज जो है उसका पैराग्राफ का वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में ये राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है, लेफ्ट और राइट है कि आपका जो एंड हो रहा है पॉइंट उसको कैसे लेफ्ट और राइट पे करना है। उसके लिए वही चीज़ है जो पहले हमने की थी कि आप राइट साइड से करना चाहें या लेफ्ट से करना चाहें, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे करनी है, ये भी वही सेम चीज़ है। उसके बाद है शॉर्ट, इसमें क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। ये मेरे पास गिनती है 3, 2, 4। ये कुछ एक गिनती मैंने लिखी है तो सीक्वेंस में नहीं लिखी। अब इसको हम सीक्वेंस में कैसे करें, मैं इसे क्लिक करना शॉर्ट एक्स पे और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये देखिए उसने सीक्वेंस में कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9।
अगर हम इसको उल्टा करना चाहें तो हमने नीचे वाले पे चेक लगाना है और ओके कर देना है, तो ये देखो नीचे से ऊपर को जा रही है 9 7 6 5 4 3 2 1। ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे हमने नंबरिंग लगानी है हेडिंग के लिए और उनकी कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे एक वेड उसकी जो सेटिंग है छोटे से बड़े साइज को और बड़े से छोटे साइज को कैसे उसको करना है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है के वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हर वक्त पहुँचता रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।